जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, एक स्वस्थ और सुंदर शरीर का निर्माण कोई भी व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है। कोई भी हो, स्वस्थ और सुंदर शरीर कौन नहीं पाना चाहता, सभी पाना चाहते हैं, परंतु वो गलत राह पर जाकर पा रहे हैं। वो शरीर जो है कि आपको बहुत ज़्यादा दिनों तक आपके पास टिकने वाला नहीं है। और जो यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है प्राचीन विधि के बारे में, प्राचीन नियमों के बारे में, उन नियमों का पालन करके कोई भी व्यक्ति यदि अपने शरीर को स्वस्थ बनाता है तो वो स्वस्थता टिकेगी उस बंदे के पास, अधिक दिनों तक वो स्वस्थता टिकेगी और बहुत दिनों तक वो स्वस्थ बना रहेगा, जैसा कि बना रखते थे पहले के लोग उन्हीं नियमों का पालन करके। तो उन नियमों में से कुछ खास नियमों को हम लेकर आए हैं आपके पास, उन नियमों को आप जानिए और उन्हें पालन करने का प्रयास कीजिए। आगे वही वीडियो आदमी देखें जो नियमों का पालन कर सकते हैं अनुशासन के साथ, जो अनुशासन के साथ नियमों का पालन नहीं कर सकते, वो इनमें कोई दवा दारू नहीं बताई गई है, प्रोटीन वोटीन नहीं बताई गई है जिससे कि शरीर बनाया जा सकता है, स्वस्थ शरीर या स्वस्थ काया का निर्माण किया जा सकता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ काया का निर्माण यहाँ पर नियमों के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ नियमों का पालन करके यहाँ पर एक भी रुपये लगने वाला नहीं है और ना ही दवा दारू की कोई सिस्टम है कि इस सिस्टम से आप बना सकते हैं। तो फिर उन नियमों का हम बिना कुछ कहे शुरू करते हैं चर्चा। तो पहला नियम तो यह है कि आपको 3 बजे उठने का प्रयास करना होगा। 3 बजे आप नहीं उठ पा रहे हैं तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए, जिससे कि आप उसके बारे में देख सकते हैं। लंबा हो जाएगा वीडियो यदि मैं पूरा वीडियो आपको पूरा अर्थ सहित समझाने लगूँ, तो बस आप ये समझ लीजिए कि 3 बजे उठने का प्रयास आप करिए। 3 बजे अगर आप उठकर, सिस्टम यह है कि 3 बजे उठने के बाद आपको योग करना है, योग के अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करें, योग प्राणायाम और सबसे बढ़कर ध्यान। ध्यान यदि आप कर रहे हैं तो आपके स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन, और इससे भी यदि आप यदि सुंदरता के पीछे हैं तो सुंदरता, परंतु आपको ध्यान यदि जब से करना स्टार्ट करें तो फिर ये कॉस्मेटिक चीज़ें लगाना बंद कर दें, साबुन तेल क्रीम इन सब का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें। शुद्ध जल से नहाएं, सिर्फ और सिर्फ जल से नहाएं, स्नान करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि भोजन के प्रति आपको आना है। भोजन आपको बहुत ही संवेदनशील होकर लेना पड़ेगा। भोजन ये नहीं कि जो भी जहाँ भी जैसे भी मिला ले लिए, भोजन वही लें जो पौष्टिक हो, और पौष्टिक के साथ साथ समय के साथ लेना होगा। एक समय बनाइए, एक नियम बनाइए कि इस समय भोजन लेना, उसी समय पर भोजन ग्रहण करिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये 2 नियमों का यदि आप पालन कर रहे हैं, शाम तक जाते जाते आप हो सके तो 2 बार स्नान करिए दिन भर में। ये करते हुए आप लगभग 1.5 महीने तक यदि जो भी बंदा इन नियमों का पालन, बस 2-3 नियमों का यही 1.5 महीने तक पालन करे, उसके शरीर में यदि बदलाव ना आए तो फिर आकर हमारे वीडियो पर कमेंट करें कि बदलाव नहीं आया। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ उस बंदे के साथ। वो यदि अनुशासन के साथ पूरी दृढ़तापूर्वक यदि नियमों का पालन करता है तो निश्चित तौर पर 100% बदलाव आना निश्चित है, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं बदलाव आया, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि क्या कहते हैं कि मैं किसी दूसरे के प्रति या तो दूसरा देख कर कोई, ये सब सिस्टम नहीं, मैंने स्वयं उसको अपने जीवन में उतारा है, लागू किया है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि इन नियमों का पालन करने से ज़रूर फायदा होगा। नहीं तो आप यदि ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर सूरज पंडित 882 पर जाइए, वहाँ पर हमारा पोस्ट 6 महीने पहले का देखिए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा दिखता था, कैसा था, कैसा हूँ इस समय। तो वो उन्हीं नियमों के पालन से हुआ है। जो भी व्यक्ति इन 2-3 नियमों का पालन पूरी दृढ़तापूर्वक और अनुशासन के साथ कर रहा है, वो अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर काया निश्चित तौर पर निर्मित कर लेगा, निर्माण कर लेगा। परंतु जो व्यक्ति इस हिसाब का हो कि नहीं वो और भी नियमों का पालन कर सकते हैं, उनमें दृढ़ विश्वास है, विश्वास उनमें है कि नहीं हम और भी नियमों का पालन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन कर सकते हैं अनुशासन के साथ, तो वो वीडियो में कमेंट करें, हम और भी विषय पर चर्चा करेंगे और नियमों पर चर्चा करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।